नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समददार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। बहुत इंपॉर्टेंट आज का वीडियो है इसलिए क्योंकि माइक्रो फाइनेंस का लाइसेंस बहुत सारे लोगों को टेक ओवर करने का मन है, लेकिन टेक ओवर अगर करना है सर आप करा दो, मैं बोला कि मैं जरूर करा सकता हूं, लेकिन आपको दो चीजें कंसिडर करनी पड़ेगी। अगर वो माइक्रो फाइनेंस वर्ड लिखा हुआ है और ऑलरेडी उसमें कैपिटल अच्छा खासा होगा तो फिर आपको एक ठीक ठाक अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो 2016-17 से कनेक्टेड अगर कंपनी, 2016 की अगर कंपनी, तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी। उसको थोड़ा सा ज्यादा पैसे देकर भी आप ले सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है नहीं सर मैं ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहता हूं, एक लिमिटेड अमाउंट ही मेरे पास में अवेलेबल है, तो फिर माइक्रो वर्ड बस आ जाए, माइक्रो फाइनेंस पूरा नहीं हो, खाली माइक्रो वर्ड आ जाए, माइक्रो केयर आ जाए, माइक्रो सेवा आ जाए तो भी चलने वाला है। लेकिन दोनों में कंडीशन एक ही रहेगा कि भैया माइक्रो फाइनेंस या फाइनेंस या लेंडिंग आपके एमओए में मेन ऑब्जेक्ट में लिखा रहना चाहिए, जो कि ऑलरेडी रहेगा। तो अगर हम करा के देते हैं आपको तो फिर ये दोनों चीजें होने वाली। अगर माइक्रो फाइनेंस चाहिए तो एक अच्छा अमाउंट खर्च करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा, कोई दिक्कत है नहीं। और अगर माइक्रो सेवा, माइक्रो सर्विसेस चाहिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपको मिलने वाला है। और एक चीज आपको बता दूं कि सबसे पहली बात ये कि आप ऑल ओवर इंडिया में ये काम कर सकते हो, दूसरी बात ये कि इस पे भी आप पूरे टैक्सेस पे कर सकते हो, तीसरी बात ये कि ये सर ये तो नॉन प्रॉफिट होता है। बोले नॉन प्रॉफिट नहीं होता भाई, ये प्रॉफिट वाला ही होता है जब तक आप 12A का रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हो। 12A का रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, एनपीएल लिखा जरूर रहेगा लेकिन आपको पूरे टैक्सेस पे करने हैं, क्योंकि हम लोग को किसी से दान तो लेने का जरूरत है नहीं। फाइनेंस का धंधा करना है, सीधा फाइनेंस का काम करिए और इस पे डोनेशन वाला काम मत करिए, कंफ्यूज मत करिएगा बिजनेस को, क्योंकि ये एनपीएल लिखा जरूर हुआ है। वो लिखा का मतलब ये कि आप 12A का, 80G का रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, उसमें डोनेशन ले सकते हो। तो डोनेशन के चक्कर में अगर आप नहीं पड़े तो धंधा और आसान हो जाएगा। लेकिन आपको लगता नहीं सर मुझे डोनेशन बहुत सारे आएंगे और मैं उससे फाइनेंस करना चाहता हूं, तब जाकर आप 12A और 80G का रजिस्ट्रेशन लीजिए, अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको चाहिए तो बहुत जल्दी आपको संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी कंपनीज अगर हमारे पास आती है बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी 2-3 दिन के अंदर में चली जाती है। अगर आपको चाहिए तुरंत संपर्क कर सकते हैं हमारे टीम के साथ में, हमारी टीम आपकी मदद करने के लिए एकदम रेडी है, और तुरंत संपर्क करिए, राइट। तो माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो केयर, माइक्रो सेवा कुछ भी चाहिए। अच्छा, प्राइस नेगोशिएबल होता है कि नहीं, जो हमारी टीम प्राइस बता देती है वही फाइनल प्राइस होता है, उससे ज्यादा ऊपर नीचे कुछ करने की गुंजाइश नहीं होती। बहुत नॉमिनल 1-5% का हो सकता है, वो भी तब जब डायरेक्टली उस पे काम शुरू हो जाए और सामने वाला मान जाए, जो कंपनी सेल कर रहा है वो मान जाए, तब अलग बात है। अदरवाइज जो बोला जाता है वो एकदम कट टू कट फाइनल अमाउंट ही होता है मोर और लेस। इसी कारण आप माइंडसेट बनाकर कॉल करिए, अगर आप सच में इंटरेस्टेड है तो ही कॉल करिए, सच में धंधा आज ही शुरू करना है तो ही कॉल करिए। क्योंकि एक और चीज मैं आपको खास बात बता देता हूँ कि अगर आप माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे वो माइक्रो केयर में हो, माइक्रो सेवा में हो, माइक्रो फाइनेंस में हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि आपको CIC का रजिस्ट्रेशन मिल रहा है या नहीं, और अगर कहीं पे CIC का रजिस्ट्रेशन के साथ मिल गया तब तो और अच्छी बात है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। हमारे पास में बहुत सारी कंपनीज आती हैं और तुरंत चले जाती है, अभी 1-3 कंपनीज हैं, सिर्फ उसी पे काम हो सकता है, उसी पे बात हो सकती है, वो भी अभी वीडियो आप देख रहे हो तो अगले 2 दिन के बाद में शायद नहीं रहे, फिर मैं जब बनाऊंगा तब पॉसिबल है, क्योंकि वीडियो बनाने का मौका मिलता ही नहीं, उससे पहले ही डायरेक्टली जिन लोग इंटरेस्टेड रहते हैं वो कंपनीज ले लेते हैं, क्योंकि आगे नई कंपनी बनने में असुविधाएं हो रही है। सर आप नई कंपनी बना देते हो कि नहीं, वो भी कर देते हैं, उसके लिए बात करना है तो भी आप टीम से बात कर लो, लेकिन तत्काल धंधा चालू करना है तो इस वीडियो को फॉलो करते हुए तुरंत कॉल करो। आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहिएगा मेरे साथ, आपका दिन जबरदस्त हो, शुभ।